हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और बॉस ऑफ शेयर बाजार अब इन्वेस्ट इन्वेस्ट फॉर एवर हो गए डोंट बी कंफ्यूज अगर हम बात करें इस वीडियो में इस वीडियो में हम ऐसी कंपनी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जो कल की डेट में गिर सकते हैं ओके okay, कल की डेट बुरी तरह गिर सकते हैं और क्या रीजन है उससे रिलेटेड बातें करेंगे और एक डिस्क्लेमर कि कोई भी बैंक बाइक और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है आपको सिंपली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके करना है बाकी ये बेस ऑन सम स्टडी है एज वेल एज इन स्टॉक से आपको हमेशा के लिए दूर भी रहना है ऐसे स्टॉक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सारे के सारे पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक कुछ मतलब छोटे छोटे पाँच रुपए दस रुपये बीस रुपए वाले तो इनसे आपको दूर रहना है इसके पीछे का रीजन है वो मैं बताऊंगा बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें करे, फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे एज वेल एज अगर बात करें आज की डेट में ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आपको पता चलेगी कि Q4 के रिजल्ट से रिलेटेड काफी सारी कंपनीज के Q4 के रिजल्ट की यहां पर डाले गए हैं आज की डेट में यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी और यहाँ पर ग्रीन प्लाइस ये शेयर से रिलेटेड यहाँ पर बातें की गई है तो यहाँ पर आप इन वीडियो को देख लीजिएगा बाकी आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर प्ले लिस्ट बनाए रखी है तीन स्टॉक्स तीन प्ले लिस्ट है यहाँ पर ब्रेकआउट स्टॉक के रिजल्ट और फोर स्टॉक्स मार्केट बिगनर्स इन वीडियो को जाके आप देख लीजिएगा एज वेल एज अगर बात करें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करें फ्री में अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा तो एक एक करके हम यहाँ रिजल्ट देखते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो रिजल्ट देखेंगे तो वो किसका देखने वाले हम देखने वाले वाले हम अबान लिमिटेड पेड तो यहां पर एक ये शेयर है अगर आज की डेट में देखें तो आई थिंक अपर सर्किट ही कह सकते हैं अपर सर्किट की तरह पर लगता हुआ नजर आया है बीच में ओपन हुआ फिर अपर सर्किट और अगर फाइव डेज का चार्ट पैटर्न देखे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखे तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इतना खास पास है आ, मतलब इसी प्राइस पे चलता हुआ इसी प्राइस पे यहाँ पर आज भी उसी प्राइस पे यहाँ पर घूम रहा है तो कुछ ऐसा खास इस शेयर ने किया नहीं है अब आन ऑफ और अगर बात करें यहाँ पर इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर ये ऑयल से रिलेटेड ऑफ है तो मतलब यहाँ कुछ ना कुछ समुद्र से रिलेटेड यहाँ पर काम होता हुआ या फिर ऑयल से रिलेटेड काम करता हुआ नजर आता होगा

हाँ बट एक चीज मैं बताना चाहता हूँ इसका इस कुछ कंपनी के रिजल्ट हम अगर बेकार आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके हम इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे कुछ ये हो सकता है कि इस बार के रिजल्ट कराए हुए क्वार्टरली बेस पे तो ये सब आपको बाद में देखना है इससे रिलेटेड अलग वीडियो भी बना देंगे बाकी अगर बात करें असाई इंडिया इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए इसकी वजह से यहाँ पर अगर बात करें आज की डेट में भी इस तरीके का यहाँ पर गिरावट है फाइव डेज से गिरावट होती हुई नजर आ रही है वन मंथ से यहाँ पर आपको इस तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा है एक साल से एक ही पैटर्न मतलब चलता हुआ नजर आ रहा है कुछ यहाँ पर रिटर्न अच्छे खासे दिए बट स्टिल अगर बात करें आ, फाइव फाइव ईयर से तो फाइव ईयर में कुछ खास यहाँ पर जलवा नहीं दिखाया इस ने तो इस शेयर तो चीज को भी ध्यान दीजिएगा बट मैक्सिम चार्ट पैटर्न इसका काफी बेहतरीन पर नजर आ रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर की तरफ बट आ, कल की डेट में यहां पर ये शेयर गिर सकता है इसके अलावा अगर बात करें तो एक और शेयर है ये ब्लू सर्कल यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो लोअर सर्किट में ये शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है नौ रुपए के आसपास का ये शेयर है तो इस शेयर से भी आप थोड़ी सी दूरी बना के रखेंगे तो अच्छी बात रहेगी क्योंकि यहाँ पर देखिए अपर सर्किट लोअर सर्किट में चलता हुआ नजर आ रहा है तो इसके रिजल्ट है इसकी बेस पे मैं आपको बता रहा हूं इसके अलावा बात करें यहां पर डेल्टा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर इसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है आ, अगर बात करें इसके भी रिजल्ट कुछ खास नहीं आया है नजर आ सकता है और अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले स्टॉक से मोस्टली आपको दूर रहने की ही सलाह मैं आप हमेशा देना भी चाहूंगा बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका चार्ट भी कुछ खास नहीं है यहाँ पर यह सबसे पहले एक कड़ी हो जाती है आपको पता चल जाएगा अगर कोई अच्छी खासी कंपनी होगी ना तो वो आपको लॉन्ग टर्म के पास अगर बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की तो वो उसका शेयर देखिए ऊपर नीचे तो जाएगा बट ऊपर नीचे

हिंदुस्तान नेशनल ग्लास इंडस्ट्री यहाँ पर अगर बात करें अड़तालीस रुपए का शेयर है इसके भी रिजल्ट कुछ खास नहीं आए हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख सकते हैं दो हजार नौ से कंपनी है और नेगेटिव में ही पर रिटर्न दी है ना चार्ट पैटर्न बेहतरीन है ना रिजल्ट अच्छे है तो इसलिए इससे भी दूर रही है केएल के इंडस्ट्री यहाँ पर भी चौदह रुपए का शेयर नजर आ रहा है अगर बात करें ये सारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आपको मिलेंगे ये शेयर बाकी यहाँ पर देखिए वॉलिटिलिटी अच्छी खासी है और इस शेयर में भी रिजल्ट बेकार है इससे भी दूर रही है एम आर पी एग्रो यहाँ पर अपर सर्किल

सर्किट में चल circuit, है। circuit, 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 ये अपर है। इससे भी दूर रही है इसके भी रिजल्ट कुछ खास नहीं आया इसके अलावा सिलिकॉन वॉले वैली के यहाँ पर अगर बात करें ये भी सिलिकॉन वैली का एक शेयर है इसमें भी अपर सर्किट लोअर सर्किट का ही खेल है तो इससे भी आप दूर रहिए सारे के सारे शेयर पर कुछ पैसों के या कुछ रुपीज के इनके सबके रिजल्ट बेकार रहे हैं किसी के भी रिजल्ट अच्छे नहीं है तो इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ ये सारे के सारे शेयर कल की डेट में आपको गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं बाकी बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही करिए बाकी और भी कुछ आपको शेयर से रिलेटेड पूछना है तो आप हम आ, कमेंट कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लैस